स्वामी श्री सच्चिदानंद सदगुरु प्रेम सिंह निखिलेश्वरानंद स्वामी महोदय, आप सभी साधक जो नए प्राणी आए हैं, एक शंका जरूर आपको होगी कि ये परम पूज्य सदगुरुदेव जी के पुत्र होने के बाद भी सभी लोग वो लोग गुरु जी से अनुशासित है, गुरु जी से आज्ञा पाकर उन्होंने शिविर किया है, फिर ये अनिल कुमार जोशी क्या चीज है, क्यों शिविर कर रहा है, क्यों आ रहा है, सहज है कि आप में ये शंका हो सकती है। मैं आपको एक निवेदन करता हूँ कि यह बात मैंने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की चरणों में भी लिखी थी। मुझे कोई गुरु बनने का शौक नहीं, लेकिन मैं एक गरीब घराने से हूँ। मेरे पिताजी के हम 6 भाई 1 बहन और मैं सबसे बड़ा हूँ। गरीबी क्या है मुझे अच्छी तरह जानता, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और आजकल का धर्म हो, आजकल की शिक्षा दीक्षाएं हो, ये सारे पैसों पर आधारित है। इससे मुझे ये बात बार बार खटकती थी, क्या धर्म या साधनाएं या दीक्षाएं केवल पैसों वालों के लिए ही है? गरीब यहाँ तक नहीं पहुंच सकता, नहीं आ सकता, इसके लिए क्या करना चाहिए? मैंने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के रहते ही, बड़े गुरुदेव के रहते ही, वैसे हैदराबाद में मैंने गुरु जी के साथ शिविर किए पूर्ण, और हर शिविर में परम पूज्य सदगुरुदेव जी, बड़े गुरुदेव जी, स्वामी निखिलेश्वरानंद जी आए। यह मेरे पर बहुत बड़ी कृपा थी। बाद में परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने एक बार यूं ही कहा था कि जोशी, हिंदी भाषा भाषी जो लोग जहाँ है वहां मैं जो भी कहता हूँ वो लोग सब लोग सुन लेंगे, लेकिन तू दक्षिण का रहने वाला है, तेरे प्रांत में भाषाएं अलग अलग है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल भाषा है और मराठी, ये सारी चीजें हैं। जहाँ उस भाषा में मैं जो चाहता हूँ उसका ज्ञान देने के लिए वो भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और तू इन भाषाओं को जानता है। और गुरु जी ने पहली बार मुझे शिविर स्थल पर ही कहा था कि जोशी, मुझे आज यहाँ के लोगों को या जिनको मैं हिंदी भाषा नहीं समझती, वो लोगों को इसका ज्ञान देने के लिए मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू गुरु मंत्र की दीक्षा दे सकता है, और मैं ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस गुरु मंत्र की दीक्षा गुरु जी के सामने ही दिया। और यह गुरु जी के कथन पर ही, गुरु जी के कहने पर ही मैंने तेलुगु वालों के लिए या जो भी आते थे उनके लिए उनको समझा कर कहता था कि गुरु जी क्या कहना चाहते हैं हिंदी में। मेरे को 5 भाषाएं भी आती हैं, इसलिए मुझे उन्होंने आज्ञा दी थी, तभी मैंने एक कार्य किया। ये पहला मैं क्यों गुरु मंत्र जब देता हूँ या गुरु जी के आज्ञानुसार ही करता हूँ, ये पहली बात आपको समझा देना चाहता हूँ। उसके बाद नंबर 2 आता है कि परम पूज्य सदगुरुदेव से मैंने यही प्रार्थना की थी, प्रभु बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको साधना करने की इच्छा तो होती है, लेकिन छोटे छोटे घर होने के कारण जिसमें अपने माता बहनों का महीनावार होता है, साधना के समय में अड़चन होती है, गरीबी है, और साधना करते समय एक ही कक्ष हो, पूजा कक्ष हो, उनको रहने के लिए एक ही कमरा होता है, तो उसमें पूजा कक्ष का होना, साधना कक्ष का होना, और हमारे सारी दशा विद्याओं के करते समय हमारे को एक साधना कक्ष होना जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ पवित्रता का एक वातावरण हो और हम उस साधना को कर सकें। तब मैंने परम पूज्य सदगुरुदेव के चरणों में यह प्रार्थना रखी थी, प्रभु क्योंकि मैं भी 2 कमरों में से 2 कमरे रहते थे उसमें ही साधना करता था, और मुझे इसका बात का अनुभव है कि 2 कमरों में साधना करना कितना कठिन होता है अपने बीवी बच्चों को लेकर या माता पिता को लेकर। तो मैंने परम पूज्य सदगुरुदेव से प्रार्थना की थी, प्रभु मैं एक ऐसा साधना केंद्र या एक आश्रम ऐसा बनाना चाहता हूँ जहाँ आपकी स्थापना हो, आपको और वहाँ जहाँ आप हो वहाँ जो लोग गरीब हैं, जो लोगों को पैसों की तंगी है लेकिन गुरु जी के प्रति बहुत प्रेम करते हैं, गुरु साधनाओं के प्रति बहुत प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं साधना कक्ष खोलूं, दशमा विद्याओं के लिए और एक ऐसा आश्रम बनाऊं। मैंने गुरु जी से आशीर्वाद लेकर ही विजय चेतना केंद्र हैदराबाद की स्थापना की। आज ही 1997 में गुरु से परमिशन लिया, जो पहली गुरु पूर्णिमा, आखिरी गुरु पूर्णिमा जो हैदराबाद में हुई थी, और गुरु जी के परमिशन से ही मैंने निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद की स्थापना की, जो 2000 में अपना कार्य आरंभ करती है। आज 2000 से 2023 साल चल रहा है, 24 साल चल रहा है। और मैं आपको कहता हूँ, अगर मैं गलत होता तो गुरु जी कभी भी का मेरा दुकान बंद करते। ऐसे बहुत सारे साधक हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका दुकान आज बंद है, तो लोग कुछ नहीं कर सकते,
मैं 2024 आज इतना कह सकता हूँ कि भारत के नहीं बाहर विदेश से देश विदेश से भी लोग आकर साधना करने के लिए हैदराबाद के आश्रम में आते हैं। अगर धर्म, मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर धर्म बेचा जाए तो हम धर्म को खरीदने के और बेचने का काम करते तो व्यापार हुआ। हम पहले गुरुकुलों में देखते हैं जहाँ ऋषि लोग जंगल में रहते थे, चाहे राम श्री रामचंद्र जी हो जो राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे, चाहे कृष्ण हो जो भी श्रेष्ठ देवता थे, लेकिन उनकी पढ़ाई गुरुकुलों में ही हुई। और उन गुरुकुलों में जहाँ गुरु अपने शिष्यों को वह कर्म और वह सेवा और वह मार्ग बताता था, जो गुरु खिलाता था वो लोग खाते थे। ऐसा कभी आपने सुना है क्या कि किसी गुरुकुल में भेजते समय राजा ने हो, राम ने हो, कृष्ण ने हो, पैसे भेजे हो और मेरे बेटे को आप पढ़ाओ, ऐसा भिखा है, कोई दक्षिणा दी? जो गुरु, मेरा कथन है, आप उसके बुरा मानो या भला मानो, मुझे मैं उसके बारे में चिंतित नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ वो गुरुकुलों में जब शिष्य पढ़ने रहता था तो गरीब हो या धनवान हो, राजकुमार हो, उनको एक साथ देखा जाता था। कृष्ण भी शांतिप्री महावनी के गायों को चरा कर लाते थे और उनके लिए लकड़ी काट कर लाते थे, उनके खेतों को पानी देते थे, ये भगवान श्री कृष्ण थे। रामचंद्र जी भी वशिष्ठ के आश्रम में अपनी विद्या सीखने के लिए गए तो वहाँ राजकुमार बनके नहीं गए, शिष्य बनकर गए और उन ऋषियों ने उनको पाला, उन ऋषियों ने जो खाना दिया वो लोगों ने खाना खाया। ये गुरुकुल थे हमारे और ये गुरु परंपरा थी हमारी। गुरु दक्षिणा मांगता था या नहीं ये बात अलग, मैं आज आपके सामने बैठा हूँ ये बात कहता हूँ, इसका लोग कोई भी अर्थ ले ले, मुझे उसके बारे में मैं चिंतित नहीं हूँ। अगर गुरु असमर्थ हो, गुरु शिष्य के पैसों पर जीता हो तो वो गुरु क्या? साधना में तो बड़े बड़े बताते हो कि ये साधना करने से आपके पास लक्ष्मी आएगी, ये साधना करने से आपके पास तारा शरण देगी। अगर आपके पास ये सब आता है तो उन शिष्यों को क्यों ये श्रेष्ठ बनाते जो गरीब है, जो चिंतित है, जिनकी समस्याएं हैं? अगर आप कहते हैं, मैं आपको ये अभी नहीं बहुत बार मैं ये बात कह चुका हूँ, आप कोई भी हो, पुस्तकें लिखते हैं, पत्रिकाएं लिखते हैं, आपको एक बार एक बात कहता हूँ, अगर ये साधना करने से काली प्रत्यक्ष होती है, ये कहने से तारा सर के नीचे 3 तोला सोना रखती है, अगर ये सब आपने कहा है तो मैं आपके चरणों में प्रार्थना करके आपके सामने सर झुकाकर कहता हूँ, जिन्होंने ये लिखा है वो लोग प्रत्यक्षीकरण करके बताएं कि ये साधना करने के लिए फल काली प्रत्यक्ष होती है, काली प्रत्यक्ष करके बताएं। खाली पुस्तकों से लिखने से नहीं होता, और आजकल सिर्फ पुस्तक की बात आ रही और वचन रह गया। हम जब साधना शिविर में आ जाए तो सिर्फ गुरु जी को विश्वास करो, गुरु जी का मंत्र करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अरे भाई, गुरु जी की इच्छा पूर्ण होगी तो तुम पत्रिकाएं क्यों निकालते हो, क्यों साधनाएं बताते हो? अगर गुरु का नाम मात्र जब मंत्र जाप करने मात्र सब कार्य होता है तो पत्रिकाएं क्यों साधनाएं लिखते हो? साधनाएं हर तपस्वी ने साधना की, कृष्ण ने भी, राम ने भी, हनुमान जी ने भी, कामकला सिद्धि की साधना की है, रावण ने भी साधना की है, और तब कोई महावीर कोई तपस्वी है जिसने शरीर को ताप दिया उसे तपस्या कहा जाता है। आज तपस्या नहीं है, पैसे दो, दीक्षा दो, चले जाओ, आपको फायदा हुआ नहीं हुआ वो आपके आपकी मर्जी, और आप पैसा एक एक पैसा इकट्ठा करके लाते हो तो कितना कष्ट होता है मैं जानता हूँ, उस गरीबी से गुजरा हूँ। मैं आपसे आपको चाहता हूँ कि आपके जीवन में तपस्या हो, आपके जीवन में साधना हो। और गुरु जी ने सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की थी, गुरु जी ने कोई ऐसी संस्था की स्थापना के लिए नहीं की जो गुरु दीक्षा परिवार, ऐसा नहीं कहा था। गुरु ने साधकों को चुना था, जो साधना करने वाले थे उनको चुना था, साधना करने वालों के लिए गुरु ने साधक परिवार की स्थापना की। आज जो उनका मुख्य उद्देश्य था, सिद्धाश्रम को साधने की बात कहते थे, और सिद्धाश्रम साधने के लिए 3 महाविद्याओं का जागृत होना, सिद्ध होना जरूरी है, ये बार बार वो कहा करते थे। आज क्या इस विषय में आपके ऊपर प्रकाश डाला जाता है कि आप सिद्धाश्रम में आप 3 महाविद्याओं की साधना करो, आप सिद्धाश्रम पहुंचो? क्या आज आपके इन प्रवचन में आप सुनते हैं? अगर ये नहीं है तो फिर हम क्या गुरु जी के वचनों को लेकर चल रहे हैं, गुरु जी के उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं? और जब तक अपने को ये उद्देश्य लेकर नहीं चल रहे हैं तो फिर हम गुरु जी की क्या सेवा करें, गुरु जी के क्या वचनों की प्रार्थना करें, क्या गुरु जी को किस वचनों को लेकर चल रहे हैं?